हम राजस्थान का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में आज हम शुरू करेंगे राजस्थान के राजवंशों का इतिहास, जिसमें पहला ही जो राजवंश है वो हम देखने का प्रयास करेंगे, यादव वंश। तो आइए शुरू करते हैं यादव वंश का इतिहास। देखो, यदि हम लोग यादव वंश की बात करें तो यादव वंश राजस्थान में कितनी रियासतों में था? तो देखो, मानचित्र थे देखने लाग रहा हो, राजस्थान में यदि यादवों की रियासतों की बात करें तो तीन जो रियासत थे जहां यादवों का शासन था। पहली, ये आप देख पा रहे हो, ये जगह है भटनेर, जगह नापा नाम अब बोला हनुमानगढ़। ठीक, ये पूरा पढ़ेंगे। तो एक तो भटनेर में इनका क्या था, शासन था। इसी भटनेर शाखा से एक ब्रांच टूटकर इधर आ गई और ये जो जगह है वो है जैसलमेर। तो यादवों की जो दूसरी जो रियासत थी वो कौन सी है, जैसलमेर। तीसरी रियासत की यदि आप बात करा तो वो ये जगह आप देख पा रहे हो, ये जगह है करौली। तो तीसरी रियासत है वो है करौली। ठीक, तो ये राजस्थान में यादवों की तीन रियासतें थी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे करौली के यादवों की। तो आइए शुरू करते हैं करौली के यादवों का इतिहास। तो देखो, करौली का इतिहास, यदि आप करौली के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले मैं करौली के यादव है उनका सामान्य परिचय देख लेते हैं। ये जैसे करौली है, तो देखो कि ये जो करौली वाले यादव है ये चंद्रवंशीय ययाति के पुत्र यदु की संतान है और अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। तो करौली के यादव है, ध्यान से सुनना, चंद्रवंशीय यादव जो अपना संबंध बताते हैं कि ययाति का जो पुत्र था, कौन, ययाति के पुत्र यदु, ये ययाति के पुत्र यदु की संतान है। ये अपना जो संबंध है वो अपना संबंध जोड़ते हैं श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, श्री कृष्ण से। ठीक बात। इनकी यदि कुलदेवी की बात करें, ध्यान से सुनना, करौली के यादवों की कुलदेवी की यदि हम बात करें तो करौली के यादवों की कुलदेवी है केला देवी। तो करौली के यादवों की जो कुलदेवी है वो कौन है, केला देवी। तो याद रख लीजिए, इनकी जो कुल देवी है वो है केला देवी। अच्छा, केला देवी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस केला देवी का जो मंदिर है इसी करौली में है और इस के मंदिर का जो निर्माण है वो मंदिर का निर्माण करवाते हैं करौली के संस्थापक की कौन, अर्जुन पाल। तो याद रखिए, इस मंदिर का निर्माण अर्जुन पाल ने कराया। कौन सा पर्वत है, त्रिकूट पर्वत पर इनका मंदिर है, याद रह जाएगा। और कौन सी नदी बहती है इसके किनारे, सॉरी किस नदी के किनारे है, याद रखना, काली सील नदी के किनारे है। तो ये देखा हमने करौली का सामान्य परिचय, सिंपल। करौली चंद्रवंशीय ययाति के पुत्र यदु की ये संतान है, अपना संबंध कृष्ण से जोड़ते हैं। केला देवी इनकी कुल देवी है जिनका मंदिर अर्जुन पाल ने कालीसील नदी के किनारे और त्रिकूट पर्वत पर निर्माण किया। अब हम देखने का प्रयास करेंगे ये जो करौली है, इस करौली के प्रमुख जो शासक हुए थे उन हम शासकों को देखेंगे। तो देखो, अब हम बात करेंगे करौली के प्रमुख शासक। तो अब करौली के यदि शासकों की हम बात करें तो बहुत छोटा इतिहास है इनका। करौली के शासक की बात करें तो पहला ही शासक आप लोगों को याद रखना है, पहला शासक है विजय पाल। पहला शासक कौन है, विजयपाल। हिस्ट्री के अंदर आप हमेशा याद रखिए, पहला शासक होता है वो संस्थापक होता है, आदि पुरुष होता है, मूल पुरुष होता है। तो विजयपाल ही ऐसा ही था। मैं आपको बता दूं, ये पहला इसलिए क्या हो जाएगा, आदि पुरुष बोल दो, मूल पुरुष बोल दो, या हम इनको, क्योंकि पहला व्यक्ति हमेशा संस्थापक होता है तो ये करौली के यादवों का संस्थापक है। हालांकि वर्तमान में जो करौली है उस बेल्ट में विजयपाल नहीं आया था, उन्होंने अपनी राजधानी तो बयाना को बनाया था, तो बयाना में एक दुर्ग बनाया था
बयाना आपको पता है वर्तमान में भरतपुर जिले में है, ठीक। तो उन्होंने भरतपुर के बयाना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया, इसे विजयगढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजयगढ़ी। वही बयाना है जिसका नाम बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी जगह बाणासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, इस वजह से बाणासुर के नाम से, इसका नाम पहले बाणासुर था, इसे श्रीपंथ भी कहते हैं और इसे श्रोणितपुर भी कहते हैं और इसे कब्रगाहों का शहर भी कहते हैं। तो ये विजयपाल के बारे में याद रखना, मूल पुरुष है, आदि पुरुष है और संस्थापक है। बयाना में दुर्ग बनाया, बयाना को राजधानी बनाया। अब विजयपाल के बाद नेक्स्ट आप शासक याद रख लीजिए, नेक्स्ट शासक है तीमनपाल। बहुत सिंपल है, नाम से ही पता लग जाएगा भाई। तीमनपाल ने क्या किया? तीमनगढ़ का किला बनाया। तीमनपाल ने क्या किया? तीमनपाल ने तीमनगढ़ का किला बनाया। ये तीमनगढ़ कहाँ है? ये करौली में है। तो तीमनपाल ने, नाम से देखो तीमनपाल तो तीमनगढ़, तीमनगढ़ का किला बनाया, ये किला कहाँ है? ये तो करौली में ही है, ठीक। तो विजयपाल के बाद हमने क्या देखा? तीमनपाल देखा। अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट शासक है वो देखो आप, करौली के जो नेक्स्ट शासक की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट शासक आपका देखो तीसरा शासक है ना, तो इसलिए आप याद रख लीजिए तीसरा शासक है, देखो त्रियोभुजों, मतलब इससे आप ऐसे याद रखो कौन है? अर्जुन पाल। अर्जुन पाल क्या करता है? अर्जुन पाल कल्याणपुर बसाता है। कल्याणपुर बोले तो, कल्याणपुर बोले तो करौली है ना। देखो तो ये क्या बसाता है? कल्याणपुर, जो वर्तमान की जो करौली है ना, करौली शहर, वो इसने बसाया था कल्याणपुर, मतलब करौली को बसाया। दूसरा, उन्होंने अपनी कुल देवी केला देवी का मंदिर बनाया है ना। तो नेक्स्ट मैं लिख दूं, उन्होंने क्या किया? केला देवी का क्या बनाया? मंदिर, जिसकी चर्चा हमने अभी इंट्रोडक्शन में कर ली। अर्जुन पाल के बाद नेक्स्ट राजा हुआ वो हुआ, चलो देखो अर्जुन पाल जो कल्याणपुर करौली बसाते हैं। नेक्स्ट देखो, अर्जुन पाल के बाद चौथा शासक है वो है आपका गोपाल पाल। चौथा शासक कौन है? चौथा शासक है गोपाल पाल। चौथे शासक की बात करें तो चौथा शासक है गोपाल पाल, और गोपाल पाल ने यहां करौली के अंदर मदन मोहन जी का मंदिर बनाया। किसका मंदिर? मदन मोहन जी का मंदिर बनाया, जो आप पढ़ते हो। तो सिंपल है, चार शासक विजयपाल, पहला शासक हो गया, तीमनपाल की बात की, फिर हमने अर्जुन पाल की बात की, अब गोपाल पाल की बात करें। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट राजा होता है, उस राजा का नाम है हरवक्ष पाल। हरवक्ष पाल वो शासक है जो अंग्रेजों से क्या करता है? ईआई से, मतलब अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या करता है? संधि करता है। ये संधि कौन सी? ये आप जरूर ध्यान रखना, ये है अधीनस्थ सहयोग संधि बोलते हैं इसको। कौन सी संधि है? अधीनस्थ सहयोग संधि, या इसी का नाम है आश्रित पार्थक्य की संधि। आश्रित पार्थक्य, ये सहायक संधि नहीं है, ये थोड़ा जरूर ध्यान रखिए आप, ठीक है। हालांकि राजस्थान में 1800 क्रांति पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग संधि करता है, आश्रित पार्थकिक संधि करता है। ये बात कब की है? ये 1817, और याद रखना राजस्थान में ये पहला राजा है, राजस्थान का ये प्रथम शासक और रियासत है जो अंग्रेजों इस टाइप की संधि करता है। अब क्योंकि संधि हो गई 1817 में, नेक्स्ट राजा होगा मदन पाल। मदन पाल की बात करा तो मदन पाल 1857 की जब क्रांति हुई, 1857 की क्रांति, तो इस 1857 की क्रांति के टाइम यहाँ के शासक है। तो सिंपल सी बात है, देशी रियासत के राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया। तो ये जो आप जगह देख रहे हो वो है कोटा। उस टाइम क्या हुआ था? कोटा का राजा था राम सिंह सेकंड। कोटा का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। तो कोटा का राजा जो राम सिंह सेकंड है, उसको वहां के क्रांतिकारियों ने कर लिया कैद। राम सिंह सेकंड को वहां के क्रांतिकारियों ने कर लिया था कैद। तो इसको छुड़वाने के लिए एक अंग्रेज सेनापति आया था, रॉबर्ट्स। तो मदन पाल ने रॉबर्ट्स का सहयोग किया, इन दोनों ने मिलकर कोटा के राम सिंह को मुक्त कराया। तो याद रखना, ये मदन पाल आया, मदन पाल ने किसका सहयोग किया? एक अंग्रेज सेनापति आया था रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स के साथ मिलकर इसको क्या कराया? मुक्त करवाया। तो अंग्रेज इनसे प्रसन्न हो गए, अंग्रेजों ने मदन पाल को 17 तोपों से सलामी लेने का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। ये कई बार पूछते हैं, ठीक। बस
नेक्स्ट शासक है आपका गणेशपाल। गणेशपाल अंतिम शासक है। गणेशपाल मतलब अंतिम शासक है, ये विलय के समय शासक है। बस तो ये था करौली का छोटा सा इतिहास है। देखिए विजयपाल मूल पुरुष हो गया, आदि पुरुष बयाना विजय गढ़ी बनाया और वहां राजधानी बनाया, फिर तिमनपाल तिमनगढ़ का किला, तीसरा अर्जुनपाल कल्याणपुर करौली और केला देवी का मंदिर, गोपालपाल मदन मोहन जी का मंदिर, फिर अरवक्षपाल 1817 में ये इसे ये जो अधीन सहयोग संधि करता है, और 1800 में कौन है मदनपाल, और उसके बाद आपको याद होगा अंतिम शासक कौन है, गणेशपाल विलय के समय। तो ये था करौली।